सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पूर्व छात्र दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। पिछोर के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पूर्व छात्र दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरएसएस के पर्यावरण प्रांत प्रमुख शिव शंकर जी और विशिष्ट अतिथि घनश्याम दक्ष आचार्य पवन शर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में आए हुए अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर और सरस्वती माता का पूजन किया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत पूर्व छात्र सचिन राज भट्ट और अजय पुरोहित ने तिलक लगाकर और श्रीफल भेंट कर किया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय के पूर्व छात्रों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, जिसमें छात्रों ने अपने अपने अनुभव बताए। छात्रों ने जो संस्कार विद्यालय से प्राप्त किए, आज देश में नहीं बल्कि विदेश में भी तरक्की हो रही है। प्राचार्य राजेश सक्सेना जी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय से अध्ययन करने के बाद सभी छात्र एकत्रित हो और विद्यालय के उन बीते पलों को याद करें और अपने अपने अनुभव साझा करें। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि शिव शंकर जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि किस तरह से हम अच्छे मार्गों पर चलना है। हम अगर संकल्प ले सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, पॉलिथिन का उपयोग न करें, तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पौधारोपण भी करना चाहिए। जल संरक्षण से लेकर हमें एक एक बूंद पानी का महत्व समझना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आए पूर्व छात्रों ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए उन कक्षाओं को भी देखा जहां बैठकर अध्ययन किया करते थे। कार्यक्रम के अंत में पूर्व छात्र अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का और पूर्व छात्रों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार की ओर से सहभोज का आयोजन भी रखा गया, जिसमें सभी पूर्व छात्रों ने एक साथ मिलकर अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए भोजन किया। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। एक्चुअली मैं जानना चाहूंगा कि विषम परिस्थिति है क्या? किसी भी प्रॉब्लम का कोई पूरी जब तक समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, जो डेस्परेशन जो डेप्रेशन जो बोल रहे हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, गंभीर चिंताओं में डूब जाते हैं, तो हमें उनके प्रति जो रिएक्शन देते हैं वो एक समस्या है। और इस विद्यालय में हमें 10 साल में तो 21 से 10 तक पढ़ा, 12 साल मेरे को कुछ सिखाया है कि हर परिस्थिति में अगर अपने आप को शांत रखें। आचार्यों और प्राचार्यों द्वारा हमें सिखाया गया है कि किस समस्या को, किस परिस्थिति को, किस स्थान पर, किस तरह से उसको उसका समाधान करना है, अपने आपको शांत रख के उस परिस्थिति से निकलना है। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान को समस्या है नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मुझे बहुत आनंद आया। मैं चाहूंगा मेरे आचार्यों से प्राचार्यों से ऐसे प्रोग्राम आप करते रहे। क्लास पर लाइन या टी की फ्लाइट को थोड़ा बढ़ाता हूँ कि विद्यालय कोई भी कार्यक्रम करे, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करे, हमारे जैसे छात्र है, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, जो भी योगदान लगता हो आप तुरंत संपर्क करें। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उस प्रोग्राम को सफल बनाने में मिले। इससे भी छोटी बात मैं आपको बताऊं कि केवल ये वोट देने वाली बात नहीं, नागरिक सेटअप में कई बार आता है, कानून बना है कि एक गाड़ी पर एक मोटरसाइकिल पर 3 लोगों ने नहीं बैठना। हम कई बार 3 लोग 4 लोग की बात कर जाते हैं, हमें मालूम है कि रेड लाइट जल रही है, हमें सिग्नल क्रॉस नहीं करना, लेकिन हम ये भी काम गलती से करके आगे बढ़ जाते हैं। कानून किसी चीज का समय